नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कृति सेनन ने बताया, पानीपत में मराठी रोल निभाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। क्या है ये खबर, आइए आपको बताते हैं। कृति सेनन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस में है जो सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं। उनकी हर फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आती हैं और अपनी एक्टिंग की वजह से वो दर्शकों की चहेती बन चुकी हैं। और अब कृति का एक और शानदार रोल नजर आएगा फिल्म पानीपत में। हाल ही में कृति नजर आई थी फिल्म लुका छुपी में, जिसमें कृति सेनन शानदार नजर आई कार्तिक आर्यन के साथ। इसके अलावा पानीपत में वो एक बहुत ही अलग किरदार में नजर आने वाली हैं। पानीपत में उनका रोल काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सोर्सेस की माने तो एक इंटरव्यू में कृति ने बताया कि नॉर्थ इंडियन होने के नाते मराठी कैरेक्टर को प्ले करना चुनौती है, उनका कहना है। लेकिन आशु सर यानी की आशुतोष ग्वारिकर ने इसे बहुत ही आसान कर दिया और सुखद बना दिया। वेल, आपको बता दें कि कृति सेनन इन दिनों अपनी आने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत की शूटिंग में बहुत बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और अपने रोल को लेकर बातचीत की। पहली बार पीरियड ड्रामा पर काम करने को लेकर कृति ने कहा, ये मेरे लिए पूरी तरह से नई दुनिया है। नॉर्थ इंडियन होने के नाते मराठी कैरेक्टर को प्ले करना चुनौतीपूर्ण है। कृति ने कहा कि आशुतोष ग्वारिकर ने पार्वती बाई के किरदार को बेहतरीन ढंग से आकार दिया है, साथ ही उसे काफी मजबूत और स्वतंत्र बना दिया है। बता दें, फिल्म पानीपत में अर्जुन कपूर और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं। गौरतलब है कि फिल्म पानीपत में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में दिखाया जाएगा। फिल्म में कृति पार्वती बाई के रोल में है, जो सदाशिव राव भाऊ की दूसरी पत्नी है। सदाशिव मराठा आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। आपको बता दें, हीरोपंथी, दिलवाले, राबता और बरेली की बर्फी जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की कार्तिक आर्यन के साथ लुका छुपी आई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं, कृति सेनन सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। अपने इंस्टा अकाउंट पर कृति अपनी फोटोज अपलोड करती रहती हैं। कृति सेनन बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और बहुत ही फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिलहाल पानीपत में उनका शानदार रोल देखने लायक होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।